हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिज़ाइनर फरहीन। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी स्कैन स्कर्ट का ट्यूटोरियल। आप इसको किसी भी लहंगे गाउन के साथ पहन सकते हैं। इसको पहनने के बाद इसके ऊपर जो आप ड्रेस पहनोगे उसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। आप इसको एक बना के रख सकते हैं, फिर आप इसको कई सारी ड्रेस के साथ पहन सकते हैं, नहीं तो आपको हर ड्रेस में अलग से कैन अटैच करना पड़ेगा, तो वो ना करना पड़े इसलिए आप एक बना के रख सकते हो। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 6 मीटर क्रेप फैब्रिक लिया है और 8 मीटर ये कैन ली है। और ये जो 6 मीटर क्रेप फैब्रिक है, इसमें से हमारी दो स्कर्ट बनेगी। इसमें से हमें दो स्कर्ट बनानी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें फैब्रिक को कैसे फ़ोल्ड करना है। तो मैं आपको एक पेपर पे बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने फैब्रिक को लेंथ वाइज फ़ोल्ड करा, उसके बाद मैंने इसको ट्राइंगल शेप में फ़ोल्ड करा, और इसी तरीके से हमें अपने फैब्रिक को भी फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पे मेरे पास 4 फोल्ड आ गए हैं पेपर में, और इसी तरीके से 4 फोल्ड हमारे फैब्रिक में भी आने चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने फ़ोल्ड करा जिस तरह मैंने आपको पेपर पे दिखाया। तो सबसे पहले मैं ऊपर से अपनी वेस्ट के लिए मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पर मैं 15 इंच पर मार्किंग करूँगी। और अब इसी मार्किंग के नीचे मैं इसके लिए लेंथ के लिए निशान लगाऊंगी 39 इंच पे। अब पूरे में मैं इसी तरीके से निशान लगाती जाऊंगी। और नीचे हमारा जॉइंट आएगा दो साइड में। निशान लगाने के बाद इन सारे पॉइंट्स को हमें मिला देना है, और मिलाने के बाद इनकी कटिंग कर देंगे। तो कटिंग यहाँ पे हो गई है। अब ये जो फैब्रिक बचा है नीचे से, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो पार्ट नहीं निकले। इसके ऊपर रख के हमें फिर से इसकी कटिंग करनी है और मार्किंग करनी है। तो ऊपर से हमें अपने टेप को रखना है और 39 इंच पे निशान लगाते जाना है इसी तरीके से। ये फैब्रिक हमने डबल फोल्ड करते हुए रखा है ताकि हमारे दोनों पार्ट्स के लिए निकल जाए। और इसी तरीके से हमें अपनी सेकेंड स्कर्ट को भी रेडी करते जाना है साथ में। निशान लग चुके हैं, अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। साइड से भी इसमें फिनिशिंग दे दूंगी। अब यहाँ पे कटिंग तो हो गई है, अब इन फैब्रिक को हमें खोलते हुए रखना है। और इसको इसके ऊपर रखना है एक फैब्रिक को, और इसमें पूरे में स्टिचिंग लगा देनी है हमें। और इस दूसरे फैब्रिक को दूसरी साइड रखना है इसके नीचे, और इसमें भी स्टिचिंग लगा देनी है। दोनों पार्ट्स में हमें स्टिचिंग लगा देना है। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा दी है दोनों साइड। अब हमें इसकी साइड्स को भी स्टिच कर देना है, दोनों साइड्स को। दोनों साइड में हमें स्टिचिंग लगा देनी है, और नीचे से इसको डबल फोल्ड करते हुए हमें पूरे में स्टिचिंग लगा देनी है। नीचे से भी इसके बॉटम को डबल फोल्ड करना है और स्टिचिंग लगा देनी है एक। तो यहाँ पे मैंने सारी स्टिचिंग लगा दी है, इसको नीचे से भी डबल फोल्ड कर दिया और इसकी साइड को भी स्टिच कर दिया है। अब मैं कैन की कटिंग करूँगी, इसको मैं साइड में करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इस कैन को खोलते हुए रख लिया है, जिसकी विड्थ 41 इंच है और इसकी लेंथ 8 मीटर है। हमें यहाँ पे दो फ्रिल्स बनानी है। तो हमें सबसे पहले 14 इंच पे निशान लगाना है, स्ट्रेट लगाते जाना है, ताकि हमें एक लंबी सी 8 मीटर की फ्रिल मिल जाए। तो यहाँ पे पूरे में हमें 14 इंच पे निशान लगाना है, और जो दूसरी फ्रिल रहेगी हमारी वो 27 इंच की रहेगी। पहली फ्रिल हमारी 14 इंच है, और जो हमारी सेकंड फ्रिल रहेगी वो हमारी 27 इंच की आएगी। तो निशान तो लग गया है, हमें अब इसको कट कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास दो फ्रिल आ जाएगी 8-8 मीटर की।
तो ये जो फर्स्ट फ्रिल है इसकी लेंथ 14 इंच है और लेंथ इसकी 8 मीटर है। और इसी तरीके से जो हमारी सेकंड फ्रिल है वो 27 इंच की है और इसकी जो लेंथ है वो भी 8 मीटर की है। तो अब हम इसको लगाने के लिए इसकी स्कर्ट में निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने स्कर्ट को खोलते हुए रख लिया है। अब नीचे से हमें निशान लगाना है 14-14 इंच पे, जितनी हमारी फ्रिल की विड्थ है उतनी ही। पहली फ्रिल के लिए हम निशान लगाएंगे 14 इंच पे। पूरे सर्कल में हमें निशान लगाना है आगे और पीछे दोनों साइड, और निशान लगाने के साथ साथ हमें इनको मिलाते भी जाना है। आगे और पीछे हमें पूरे में निशान लगाना है। और अब हमें सेकंड फ्रिल के लिए निशान लगाना है 27 इंच पे। इसको भी हमें इसी तरीके से लगाना है। पूरे में आगे और पीछे दोनों साइड हमें 27 इंच पे निशान लगाना है और इनको मिलाते जाना है। मैं आप लोगों को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिए है दोनों, आगे भी और पीछे भी। अब इसमें मैं कैन को अटैच करूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने छोटे वाली कैन उठाई है। तो हमें इसको रखना है और प्लेट्स डालते जाना है और स्टिचिंग लगाते जाना है। आगे और पीछे हमें बिल्कुल इसी तरीके से करना है, छोटे छोटे से प्लेट्स डालना है और इस 8 मीटर को पूरे को हमें इसी में एडजस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट फ्रिल तो रेडी हो गई है। अब यहाँ पे मैं सेकंड फ्रिल को अटैच करूँगी। इसको भी हमें इसी तरीके से लगाना है, छोटे छोटे से प्लेट्स डालने हैं और इसमें स्टिचिंग लगा देनी है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें प्लेट्स बनाना है और स्टिचिंग लगा देनी है पूरे में आगे और पीछे दोनों साइड। तो अब मैं आपको मशीन पे करके दिखाती हूँ कि किस तरह से डालना है। तो अब हमें यहाँ पे प्लेट्स बनाना है और स्टिचिंग लगाते जाना है पूरे में। हमें ये सारे के सारे कैन को इसके अंदर अटैच कर देना है प्लेट्स बनाते हुए। तो पूरे में हमें इसी तरीके से प्लेट्स बनाना है और स्टिचिंग लगाते जाना है पूरे सर्कल में। तो यहाँ पे मैंने कैन को अटैच कर लिया है। हमारी सेकंड फ्रिल भी लगकर रेडी हो गई है। इसका लुक कुछ इस तरीके से आया। ये हमारी फर्स्ट फ्रिल है और ये हमारी सेकंड फ्रिल है। मैंने आपको पहले बोला था कि हमें दो स्कर्ट बनानी है। एक में तो हमने कैन को अटैच कर लिया है और सेकंड ये रही हमारी। इसको मैंने बिल्कुल इसी तरीके से रेडी करा है जिस तरह से हमने अपनी फ़र्स्ट स्कर्ट को रेडी करा था। अब हमें इसके ऊपर इसको डालना है ताकि हमारा जो ये कैन है ये सारा हाइड हो सके, सारा अंदर चला जाए। अब मैंने यहाँ पे इसके ऊपर स्कर्ट को रख दिया है। अब ये जो हमारा वेस्ट का पार्ट है इन दोनों स्कर्ट को एक साथ पकड़ते हुए आपस में इनको स्टिच कर देंगे ताकि ये दोनों अटैच हो सके आपस में एक साथ। पूरे राउंड में हमें स्टिचिंग लगा देना है। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा दी है और यहाँ पे साथ में मैंने बेल्ट की भी कटिंग कर ली है, जिसकी लेंथ तो बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग रखी है मैंने, जितना हमारा ये वेस्ट है, और इसकी विड्थ 6 इंच रखी है मैंने। अब इसको इसके अंदर डालना है। मैंने इसको सबसे पहले दोनों साइड से स्टिच कर लिया था। अब इसके अंदर डालते हुए हमें पूरे राउंड में स्टिचिंग लगा देनी है बेल्ट को रखते हुए साथ में। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा दी है। अब मैं इसको ऊपर खोल लूँगी। अब इसको
हल्का सा फोल्ड करना है और फिर एक डेढ़ इंच तक फोल्ड कर देना है और पूरे में स्टिचिंग लगा देनी है, पूरे में। बस हमें थोड़ा सा गैप छोड़ देना है जिसमें हमारी इलास्टिक जाएगी। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा दी और थोड़ा सा गैप भी छोड़ दिया है। तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक ले लिए, इसकी लेंथ 24 इंच है। हमें अपनी वेस्ट से थोड़ी कम, 2 या 4 इंच कम रखनी है। और अब यहाँ पे किसी भी पिन की हेल्प से हम इलास्टिक को इसके अंदर डाल देंगे, इस साइड से डालेंगे और तो यहाँ पे इलास्टिक को मैंने डाल लिया है। अब इसको एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम इसको आपस में अटैच स्टिच करेंगे और अब इस इलास्टिक को अंदर डालते हुए जो हमारा गैप बचा था हम उसको भी स्टिच कर लेंगे और इसको पूरी इलास्टिक को खींचते हुए स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा दी है सारी ही। तो अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कैसा है। तो पहनने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब आप लोग इसके ऊपर कोई भी ड्रेस पहनेंगे, लाइक लहंगा या फिर गाउन कोई भी, तो उसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा इसको पहनने के बाद। एक ही स्कर्ट को बना लो, फिर हम इसको किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।